तो आज एक रेड स्नेक को लेकर आए हैं छोड़ने के लिए। और ये देख सकते हैं आप पर्यावरण इतना बेहतरीन है, नदी है और आप देख सकते हैं, तो इस समय देख सकते हैं इतनी हरियाली है और यहाँ बहुत अच्छी जगह है इसके लिए। तो इस समय हम लेकर आए हैं, ये पकड़ा है हमने सकैनिया से। सकैनिया के पास में एक गांव है, छोटा सा कस्बा, उसके अंदर एक बक्से के पीछे से इसको पकड़कर और आज लेकर आए हम छोड़ने के लिए इस जंगल पर। ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन जंगल है। इधर नहीं तो इधर का दिखाओ। हाँ देखो आप, बहुत सुंदर जंगल है। तो इस समय देख सकते हैं आप, इसे हम यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पर ला कर हम छोड़ देंगे इसको। और इस वैसे गांव में कहते हैं धामन, घोड़ा पछाड़, कई नाम लिए जाते हैं इसके। और बहुत ही सीधा सांप होता है ये, किसान भाई के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। किसान भाई के लिए तो एक साथ ही समझो इसे, जिस खेत में होगा उस खेत में चूहा ख़त्म हो जाता है, जिस खेत में भी रहेगा फसल को नुकसान पहुँचाता है हमारा चूहा। और चूहा जो है चूहे को ये मारता है सांप, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जिस खेत में धामन होगी उसमें चूहा नहीं रहेगा। तो सबसे फ़ायदेमंद है किसान भाइयों के लिए। और ये कभी किसी को एकदम बाहर नहीं करता, देखते के साथ ही आदमी को भाग जाता है। और बहुत ही फुर्तीला सांप होता है जिसका नाम है धामन, घोड़ा पछाड़। तो आइए अब खोल कर दिखाते हैं आपको, क्योंकि छोड़ने का समय हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन सांप है जिसका नाम है सांप है ये। और ये कभी भी मारता, झटका मार मार के ये आदमी के ऊपर हमला करता है। और इसे जो है अब यहाँ पर जंगल में छोड़ देंगे। ये देखो इस समय बहुत गुस्सा दिखा रहा है किस सूरत से, मुझे छोड़ दें तो इस समय मैं जंगल छोड़ दूंगा इसे। ये देख सकते हैं आप, इसे बोलता है रेड स्नेक इंग्लिश में। और गाँव में कहते हैं धामन, घोड़ा पछाड़, ये 12-12 फुट 10-10 फुट के हो जाते हैं लंबाई है इनकी। और सबसे बड़ा शिकारी पेड़ पे ये चढ़ जाए, खेत में ये धानों के अंदर ये उसमें खेतों में ज़्यादा मिलेगा अधिकतर, और घरों में मैटर चूहों की वजह से घर में आ जाते हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप, अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। देखो ठीक है, देखो उधर की साइड, इससे मैं बहुत गुस्सा दिखा रहा हूँ मुझे। तो इधर देख सकते हैं, मैं इसे इधर छोड़ूंगा। और ये देखो छोड़ता हूँ इधर।